वेलकम टू न्यू एपिसोड सिंह ऑटो जोन। यहाँ आपको मिलेंगी टॉप थ्री न्यूज अपडेट्स ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड ग्लोबली। स्टार्ट करते हैं पहले अपडेट से, जो है सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने प्लान किया है कि जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा नए नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नई बातें हो रही है कि कैसे जो इंफ्रा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, उससे जो चार्जिंग इंफ्रा है उसको कैसे बढ़ाए, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी पार्ट है। जब तक प्रॉपर चार्जिंग इंफ्रा डेवलप नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल डेवलपमेंट भी इतनी स्पीड से नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक सजेशन है, बिल्कुल उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। उनका कहना है कि जितने भी भारत में पेट्रोल पंप्स है उन सब पर इस इंफ्रा को सेटअप किया जाएगा, इस तरह की प्रोविजन की जा रही है। अगर इंडिया की बात करो तो आज के डेट में 60,000 पेट्रोल पंप्स है पूरे इंडिया में, बिल्कुल जो कि आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप सोचिए कि अगर इस तरह कुछ कंपलसरी कर दिया जाए कि हर पेट्रोल पंप पर वहां पर बिल्कुल ऐसा कंपलसरी कर दिया, सिस्टम बना दिया जाए कि वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगा दिया जाए, तो बिल्कुल सोचिए, हम देख ही रहे हैं हमारे आसपास तकरीबन एक डेढ़ या दो किलोमीटर की रेंज पर हमें पेट्रोल पंप मिल जाता। तो बिल्कुल उस तरह से ये काफी हेल्प करेगा अगर इस चीज पर वाकई सीरियसली काम होता है। इसके अलावा हाल में ही पिछले लास्ट वीक कोची में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी अपने एक पेट्रोल पंप पर चार्जिंग इंफ्रा को सेटअप किया है, और उनकी प्लानिंग है कि आने वाले इसी साल 2019 तक तकरीबन 30 नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो अपने इन्हीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंप्स पर सेटअप करने की बात कर रही है। तो अच्छी बात है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे हम सब जानते हैं कि जो डेडलाइंस फाइनल की गई है टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स के लिए, उस पर जो प्रेशर दोबारा से गवर्नमेंट पर आ रहा है, जो इन ऑटो कंपनी से लॉबी बनाकर अब आगे सुनने में आ रहा है कि जितने भी जापानीज कंपनी के उनके जापान से हेडक्वार्टर से सीधा पीएम ऑफिस फोन आ रहे हैं कि इस तरह नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए इंडस्ट्री को। तो बिल्कुल आई थिंक उसको भी जो प्रेशर है उसको भी काउंटर करने के लिए अब तो जो थोड़ा बहुत निकल कर आ रहा है कि थोड़ा सा फेज वाइज किया जाएगा, मतलब ये वहां पर पहले लागू किया जाएगा, सिस्टम किया जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्टार्ट विद उन सिटीज से, उन स्टेट से जहां पर पोल्यूशन की ज्यादा दिक्कत है, लाइक दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, इस तरह की जो बड़ी सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। बाकी जो जहां पर अभी इतनी दिक्कत नहीं है, पोल्यूशन ऑलरेडी कम है, वहां पर इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज सेकंड फेज में स्टार्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ कोई अपडेट फाइनल नोटिफिकेशन निकल कर आती तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। तो यहाँ सेकंड अपडेट निकल कर नीति आयोग की तरफ से, उनका कहना है कि बहुत जल्द हैवी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो एक उसको भी डेवलप करने के लिए, अगर कोई प्राइवेट लेवल पर उसको डेवलप करता तो उस पर भी इंसेंटिव की प्रोविजन रहेगा, उस पर डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री काम कर रहा है। बहुत जल्दी एक इन्वेस्टमेंट प्लान भी ये डिपार्टमेंट लेकर आएगा, मीन्स अगर कोई भी अपने लेवल पर चार्जिंग इंफ्रा डेवलप तो उसको उस पर भी सेम एज अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर हमें इंसेंटिव या सब्सिडी मिल रही है तो चार्जिंग इंफ्रा डेवलप करने पर भी सब्सिडी मिलेगी। ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी भी था, काफी समय से इस पर बात हो रही थी। तो नीति आयोग को कहना कि बहुत जल्द इस तरह का न्यूज सुनने को मिलेगी, इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा उनका यह भी कहना कि नीति आयोग के 2030 तक जो भारत की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिलेटेड इंडस्ट्री है वो $300 बिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2025 तक इसके लिए उन्हें 50-60 गीगावाट आर टाइप के बड़ी गीगा फैक्ट्री सेटअप करने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इस तरह के प्लांट सेटअप करने पड़ेंगे, जरूरी है, इस पर भी काम हो रहा है दोस्तों, अच्छी बात है। इसके अलावा दो और पॉइंट है जो मुझे अच्छे लगे जिस पर बात हो रही है, वो ये है कि एक अगर बात करें जो लिथियम आयन बैटरी इंफ्रा है, प्लांट्स है, उस पर मोनोपोली नहीं की जाएगी, मींस अगर उस पर जो सब्सिडी देने की बात हो रही है उसकी भी कैपिंग की गई है, मींस कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ही ऐसा नहीं है कि ज्यादा परसेंटेज पर वो मार्केट पर काबू हो, तो किस तरह किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को मोनोपोली नहीं बनने दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट का यह भी मानना है कि एक पर्टिकुलर ओवर पर लाइक सारा का सारा जो बैटरी इंफ्रा है उसको सिर्फ एक टेक्नोलॉजी मीन्स सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयन पर ही डिपेंडेंट नहीं बनाया जाएगा, अदर केमिस्ट्री है या इवन लेड एसिड भी अभी उसका भी हायर एफिशिएंसी पर काम चल रहा है उस पर भी, या जो अदर केमिस्ट्री है जो भी है उन पर भी उसी लेवल पर काम किया जाएगा, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर सारा कुछ डिपेंडेंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत जरूरी था, मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी, बिल्कुल मेरे व्यूवर्स ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि एक टेक्नोलॉजी पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जानी चाहिए, जबकि वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास वो चीज ही नहीं है, यहां मैं लिथियम आयन की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये था आज का सेकंड अपडेट। यहाँ तीसरा और लास्ट अपडेट है फ्रांस से, जहां पर सेम दिल्ली एनसीआर लाइक सिचुएशन बनी है पिछले कुछ दिनों में, वहां पर टेम्परेचर जो अचानक 45 डिग्री तक पहुंच गया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने वहां की गवर्नमेंट ने स्पेशली पेरिस का जो एरिया है, रीजन है, ग्रेटर पेरिस रीजन, वहां के एमसी ने जितने पुरानी गाड़ियां थी स्पेशली डीजल उनकी उनकी एंट्री बंद कर दी है।
ज्यादा जो भी गाड़ी 13 साल से पुरानी उनको उस रीजन में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा, सिर्फ नई गाड़ियां और इलेक्ट्रिक या जो हाइड्रोजन पावर गाड़ी है उनको ही उस रीजन में ऐड करने के लिए कहा गया है। सेम जैसे दिल्ली में भी पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगी है, वैसा ही कुछ वहां पर किया गया है ताकि पोल्यूशन जो मेन रीजन एकदम बढ़ने का रीजन यही है ताकि जो इस पोल्यूशन की वजह से जो एनवायरमेंट में जो फाइन पार्टिकल्स रह जाते हैं ज्यादा इनकी जिसको पीपीएम बोलते हैं उनकी वजह से ये ज्यादा एकदम से पोल्यूशन माफ कीजिए टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसी को काफी करने के लिए जो पुरानी गाड़ियां हैं स्पेशली उनको बंद किया गया है, जो टॉप स्पीड थी उस पर थोड़ी सी कैपिंग जो जितनी भी वहां पर लागू थी जितनी मैक्सिमम स्पीड उससे 20 किलोमीटर के थोड़ा कम पर उसको टॉप स्पीड को सेट किया गया है। इसके अलावा जो इन बातों को नहीं मानेगा ओबे नहीं करेगा रूल्स को उस पर 135 यूरो का फाइन भी लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये क्लियर है जैसे यहाँ जो आज पहले दिल्ली एफसीआर में आज यहाँ पर भी हो रहा है जो ये स्पेशली न्यूज है इससे क्लियर होता है जो पुराने व्हीकल्स हैं जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हम भी कहाँ कुछ साल पहले तो BS3 पर काम कर रहे थे BS4 अब सीधा हम BS5 को स्किप करके BS6 पर आ गए हैं। ये जरूरी है दोस्तों इन नॉर्म्स पर काम करना, इन पर सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है नहीं तो दिक्कत सभी को है, सभी इन जो इससे रिलेटेड जो दिक्कत है पोल्यूशन की हेल्थ प्रॉब्लम है वो सभी इन प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो आज के लिए इतना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।